मनीष सर। गुड मॉर्निंग। मैं अनुपम कुमार वेस्ट बंगाल कूचबिहार से बात कर रहा हूँ। सर मुझे कुछ चीज जानना है। कुछ दिन पहले सर मैं पिछले मई जून में एक आपका वेबिनार ज्वाइन किया था। उसका नाम था इन्वेस्टिंग का ऐसे कुछ करके था, इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए था। उसमें एक 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 सर क्लास लिए थे जो कि ये जो किंग रिचर्ड हैरी सर है ना, हैरी सर के गुरु थे वो। और मैं काफी उनसे इंस्पायर हुआ, प्लस उनकी बातों को सीखा, ध्यान दिया और मैं इंप्लीमेंट भी किया, तो मैंने उसमें बहुत अच्छा खासा रिटर्न भी देखने को मिला मुझे, जिस तरह से वो बताए थे, समझाए थे इन्वेस्टमेंट के लिए। तो मैंने उसी समय से SIP की तरह 3,000, 4,000, 5,000 रुपए प्रत्येक महीना स्टॉक में मैंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तो अभी कुल मिलाकर के मुझे 30-35% का रिटर्न मिल रहा है। तो किसी एक दो स्टॉक है ऐसे में तो उसमें तो 150% भी रिटर्न मिल रहा है। वेरी गुड सर। तो एक्चुअली क्या हुआ कि मैं सर शुरू में जब 2018 की बात है, जब मैं इसमें स्टॉक मार्केट की दुनिया में जब प्रवेश किया तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था। तो फिर मैं मतलब किसी के बात से ये ले लो, किसी का कोई कॉल किया तो वो ले लो, ऐसे करते करते मैंने बहुत पैसा लॉस कर दिया। ओके। लगभग मैंने 10 लाख रुपया लॉस कर दिया। तो मैं वो अंधे की तरह कूदता गया। लेकिन जब मैं थोड़ा ऐसे ही हरी सर से मैं फिर ज्वाइन किया वो अपना टेलीग्राम चैनल से, तो फिर मैं किया उनका तो मुझे अच्छा लगा। फिर मैं तब से इंट्राडे छोड़ दिया। इंट्राडे छोड़ने के बाद इन्वेस्टिंग किया, तब से अभी तक का तो कोई नुकसान नहीं है, जहाँ तक है कुछ फायदा ही हो रहा है। जैसे कि मैंने LNT लिया, अभी देखिए LNT में 3.5% का रिटर्न दे रहा है अभी जस्ट 2 से 3 दिन। और एक मेरा स्टॉक जिसके बारे में मैं बताया था कि नियर अबाउट 145% का रिटर्न दे रहा है, लिंडे इंडिया जुबिलियंट फूड है, वो 80% का है रिटर्न। वेरी गुड। इसमें JSW स्टील लिया था मैंने, इसमें नियर अबाउट 39% है। वेरी गुड। HDFC इधर मैं इसी मैंने लिया, उसमें अभी 1.83 का रिटर्न दे रहा है। वेरी गुड। ग्रॉसिम लिया था मैं पिछले जनवरी में लिया था, इसमें 41% का रिटर्न है। वाओ। DFM फूड्स लिया था, इसमें 9% का रिटर्न है। डालमिया शुगर लिया था, इसमें 20.56% का रिटर्न है। कोलगेट लिया था, इसमें 7% का रिटर्न है। कैपली पॉइंट में थोड़ा माइनस है, 4% माइनस है। और ब्लू स्टार में थोड़ा खुलते ही वो ज्यादा चढ़ गया था 1 तारीख को, इसी महीने, तो मैं खरीद लिया था, लेकिन अभी भी ये -2% का है इसमें। इसी महीने में लिया था 1 मार्च को भारत फोर्ज, इसमें 4% का रिटर्न है। तो इससे पहले BASF लिया था, 40% का रिटर्न है। उसके बाद अरविंद फार्मा में बिल्कुल थोड़ा सा 0.12 का माइनस है। और एक एस्ट्रल पाइप लिया था मैं जनवरी या दिसंबर में, ऐसे ही कुछ लिया था, याद नहीं आ रहा, उसमें 100% का रिटर्न है। वेरी गुड। एशियन परसेंट में 40% का रिटर्न है, लेकिन इसमें सर बहुत मैं पिछले 1-2 महीने पहले देखा था तो ये रिटर्न 80% के लगभग भी चला गया था, 70 या 80% के लिए। लेकिन हाँ एशियन पेंट में लेकिन ये तब से गिरा है। हाँ अमरा राजा बैटरी लिया, उसमें 1.85 का माइनस है, ये पॉजिटिव में गया था 7-8%, लेकिन फिर ये डाउन आ गया। फिर अजंता फार्मा है मेरे पास, इसमें 11% का रिटर्न है। उसके बाद AIGSHEM केमिकल का है ये, इसमें 5% का रिटर्न है। RC इंडस्ट्री है, इसमें 24% का रिटर्न है। वेरी गुड। यानी कुल मिलाकर के अभी मुझे 27.29% का रिटर्न है। कितने दिन में? 6-7 महीने में। वेरी गुड। तो ये और भी ज्यादा था, क्योंकि अभी बल्क में पैसा डाले हैं ना इस महीना, कुछ तक थोड़ा सा कम हो गया, ये 31-32% का रिटर्न पिछले महीने दिखा रहा था। ओके। लेकिन जब से मैंने मुझे तो शुरू में तो मैंने बहुत अंधाधुंध गवाया। ओके। लेकिन जब से मैंने सर का क्लास किया ना, वेबिनार ज्वाइन किया, पे करके था, ऐसे 2500 या कुछ था चार्जेस, तो फिर मैं तब से इंटरनेट छोड़ दिया।
और उसके बाद एसआईपी की तरह इसी में इन्वेस्ट करना शुरू किया, तब से कभी माइनस में मैं नहीं किया, जो भी है प्लस में चल रहा है। और मैं पिछले 6-7 महीने से देख रहा हूँ, तो खैर किसी को बोलने से तो लोग विश्वास नहीं करता, किसी का काम देखता है, जब आप खुद एक्सपीरियंस करते हैं उस चीज को करने के बाद तो साफ पता चल जाता है रिजल्ट अगर आपके सामने हो। जी 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 बराबर। मैं हरी सर से भी बहुत कुछ सीखा टेलीग्राम पे। ओके। हरी सर से भी बहुत कुछ सीखा मैं, लेकिन समय नहीं होने की वजह से मैं इंट्राडे नहीं कर पाता हूँ। प्लस इंट्राडे में मैंने जहाँ तक पर्सनली मैंने जो एक्सपीरियंस हासिल किया उसमें क्या है कि लॉस प्रॉफिट दोनों चीज है सर। बराबर। प्लस क्या है कि उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, तो उतना समय है नहीं, हम लोग जॉब करते हैं तो उतना फुल्ली डिवोटी होकर के टाइम नहीं दे पाएंगे, इसीलिए थोड़ा सा मैंने फाइनल डिसीजन लिया कि ठीक नहीं है हमारे लिए, इन्वेस्टिंग ही अच्छा है। हरी सर को सर नमस्कार कहिएगा मेरे तरफ से। जी जरूर जरूर। और मैं तो जो भी कुछ सीखा हूँ तो हरी सर से ही सीखा, बहुत कुछ सीखा सर। और मैं कई लोगों को जो हमारे रिलेशन में है, जो इस चीज से थोड़ा बहुत फेमिलियर है, उसको मैं बताता भी हूँ कि पैसे से ही पैसा बनता है, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए। वो जो हरी सर का पंच लाइन लर्न देनर सही। हाँ, तो मैं सबसे काफी इंस्पायर हुआ हूँ, लेकिन मेरे पास समय नहीं है कि मैं इंट्राडे कर सकूँ, तो फिर मैंने इन्वेस्टिंग ही करना शुरू किया। और हरी सर अपना पोर्टफोलियो भी दिखाते थे टेलीग्राम पे। हाँ, तो मैं सोचता था कि सर के पोर्टफोलियो में स्टॉक कितना रिटर्न दे रहा है, तो ऐसा कब आएगा समय की जो मेरा पोर्टफोलियो भी इतना परसेंट रिटर्न देगा। तो ज्यादा दिन तो नहीं हुआ है, लेकिन मुझे मतलब रियलाइज हो गया है कि सर जो बोलते थे वो सही बोलते थे, और उनका एक्सपीरियंस था इसलिए बोलते थे। जी जी जी। थैंक यू। ओ वेलकम।